यम है हम है यम। पृथ्वी लोक पर तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है और हम तुम्हें यमलोक ले जाने के लिए आए हैं। चित्रगुप्त जी महाराज। कहाँ बिजी थे यार? आपकी महारानी का फोन आया था, वह आपके बारे में पूछ रही थी। ओहो, ड्यूटी टाइम में भी डिस्टर्ब करती है, ये सब छोड़ो, इनका हिसाब किताब बताओ। एक मिनट महाराज, ये रहा हिसाब। वैसे तो इसके पास बहुत समय है, मगर इन्होंने कुछ गलतियाँ की है। अच्छा, इसके लिए इन्हें अभी चलना पड़ेगा। ऐसे कैसे? मैं भी नहीं जा रही, मुझे भी बहुत कुछ करना है, मेरे परिवार का क्या होगा? अरे मैम, किससे बात कर रही हैं? आपको ये लोग भी दिख रहे हैं? कौन लोग? ये यमराज और चित्रगुप्त। आपकी रिपोर्ट्स तो सारी नॉर्मल है, लेकिन लगता है सिर पे चोट से दिमाग पर गहरा असर हुआ है। नादान बालिका, मृत्यु सिर्फ तुम्हारी हो रही है और हम सिर्फ तुम्हें ही दिखेंगे। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे मत ले जाइए प्लीज। हम यह तो तुम्हें तब सोचना था जब ट्रैफिक पुलिस ने तुम्हें हेलमेट पहनने के लिए कहा था, और अपने परिवार वालों के लिए तब सोचना था जब बैंक वालों ने तुम्हें जीवन सुरक्षा लेने के लिए कहा था। कुछ याद आया या चले फ्लैशबैक में? लगता है मैडम बड़ी जल्दी में है। कोई नहीं मैडम, आप आइए। थैंक यू मम्मी, अरे मैडम, आपके खाते में तो नॉमिनेशन अपडेट नहीं है, नॉमिनी अपडेट करवा लीजिए। नॉमिनेशन, उससे क्या फायदा? मैडम भगवान ना करे, लेकिन अगर आपको कुछ होता है तो आपके खाते के बचे हुए सारे पैसे बड़ी आसानी से आपके नॉमिनी को मिल जाएंगे। देखिए अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, आप बस अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। एक नंबर काउंटर पर लीजिए। अरे मैडम, आपने बीमा योजना का लाभ नहीं लिया है। अब फिर से ये क्या भला है? भला नहीं मैडम, इसी में आपके परिवार का भला है। पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में मात्र 20 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा उपलब्ध है, और पीएम जीवन ज्योति योजना में मात्र 436 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का मृत्यु बीमा और 1 लाख रुपए का आंशिक दुर्घटना बीमा उपलब्ध है। इससे मुझे क्या फायदा? मैडम भगवान न करे कल को आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार को बीमा राशि का लाभ मिलेगा। देखिए अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, आप इतना ही कर दीजिए। ठीक है मैडम। एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम क्या आपने अटल पेंशन योजना के बारे में सुना है? अब फिर से ये क्या भला है? मैम ये भला नहीं, इसमें आपके और आपके परिवार का भला है। साफ साफ बताइए। मैम अटल पेंशन योजना एक ऐसी सरकारी योजना है जिसमें निवेश आपकी उम्र पर निर्भर करता है। इसमें आपको 60 साल की उम्र के बाद 5,000 रुपए का मासिक पेंशन मिलता है, और भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो आपके नॉमिनी को 8.5 लाख रुपए का कॉर्पस मिलता है। क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं? इनाफ इज इनाफ, क्या लगा के रखा है? जिसको देखो मुझे मारने में लगा हुआ है। कोई बोल रहा है नॉमिनेशन करा लो, कोई बोल रहा है बीमा करा लो, कोई बोल रहा है एबीवाय करवा लो। क्या मैडम, क्या बात हुई? देखिए ना, एक काम करवाने आई थी और 10 बातें सुन चुकी हूँ इनकी। अरे मैडम ये बैंक वाले तो करते ही ऐसे हैं। मैं भी 4 साल से प्रीमियम भर रहा हूँ लेकिन मिलता कुछ है नहीं। देखिए उसके लिए तो मरना पड़ेगा। कौन बोला जी? क्या हुआ मैडम, क्यों आप इतनी नाराज हैं? पूछ रहे क्या हुआ? पूरा स्टाफ आपको मुझे मारने में लगा हुआ है। अरे बैंक वाले मारने का नहीं बचाने का काम करते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ मैडम के साथ? सर मैं तो एपीवाई के बारे में बता रहा था मैडम को। सर मैडम को पीएम बीमा योजना के लाभ के बारे में बता रहा था।
ये सब तो आपके फायदे के लिए बता रहे थे। अरे नहीं चाहिए मुझे। खुदा ना खास्ता मैडम, और आपको कुछ हो गया तो आपके नॉमिनी को, आपके वारिस को ये पैसा मिल जाएगा। नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिर आप मत करिए, जो भी असुविधा हुई है उसके लिए हमें खेद है। सभी मेरे भी मेरे पैसे। अरे बोला ना मरना पड़ेगा उसके लिए। अरे रुक, अरे डट जा मैडम, घनी उतावली हो रही है। अमरता का वरदान लेके आई है क्या? व्हाट नॉनसेंस का क्या मतलब है? बेधड़क स्पीड से और विदाउट हेलमेट के गाड़ी चलाएगी तो यही बोलूंगा ना। मेरा मन, मैं पहनूं या ना पहनूं, बाल खराब हो जाएंगे मेरे। बाल खराब हो जाएंगे का क्या मतलब है? मैं ये सब थारी सुरक्षा के लिए ही बोल रहा हूँ। पता नहीं है तो को हर साल विदाउट हेलमेट की वजह से कितने लोग मरते हैं। खैर छोड़ो। कृष्णपाल जैन सर, चालान बनाओ इनका। ठीक है सर। अब याद आ गया या और कुछ बाकी है? नहीं नहीं, मुझे सब याद आ गया है। जाने अनजाने में सबने मेरे भले की बात बताई मुझे, और मैंने फिर भी नहीं मानी। तो चलो जल्दी, मुझे रिपोर्टिंग भी करना है। क्या मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका नहीं मिल सकता? महाराज, वैसे तो आज का टारगेट पूरा हो चुका है, बन जाए तो इसे छोड़ भी सकते हैं। हम तुम्हें छोड़ भी सकते हैं अगर तुम हमसे ये वादा करो कि जो तुमने गलतियां की हैं उसे भविष्य में फिर कभी नहीं दोहराओगी। हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं सारी गलतियां सुधार लूंगी, मुझे एक मौका दे दीजिए। तो चले चित्रगुप्त अगले नंबर के पास। जी महाराज। महाराज घर कहाँ है? यार लोकेशन तो यही बता रहा है। तो देखा आपने किस तरह से छोटी छोटी गलतियां आपको बड़े दुर्घटना की तरफ धकेल सकती हैं। इसलिए कृपया ध्यान रखिए, वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर लगाइए, और अविलंब बैंक ऑफ इंडिया की नज़दीकी शाखा में जाकर जीवन सुरक्षा की जो पॉलिसी है वो जरूर ले लीजिए, क्योंकि ये आड़े वक्त में आपकी मदद करती है। हेलमेट लगाने से आपकी हेयर स्टाइल खराब हो सकती है, लेकिन नहीं लगाने से आपकी ज़िंदगी। फैसला आपका है। धन्यवाद।